हरियाणा में बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा के बनने के बाद बीजेपी के नेताओं की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी हरियाणा के नए प्रभारी और सह प्रभारी को दी गई है। पार्टी संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इसके लिए हरियाणा में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं। दो दिन चलने वाले गुरुग्राम के अंतिम प्रशिक्षण में हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा भी पहुंची। उन्होंने संगठन के नेताओं को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से टिप्स भी दिए। 25 नवंबर को हरियाणा भवन में हरियाणा के नए प्रभारी और सह प्रभारी ने सबसे पहले हरियाणा के नेताओं और सांसदों से चर्चा की, जिसमें सूत्रों के माध्यम से निकल कर आया कि गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पहली ही बैठक में प्रभारी और सह प्रभारी के सामने मनोहर सरकार के कसीदे पढ़ डाले और करप्शन से लेकर अफसरशाही तक हावी बताया। इस बीच भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी राव इंद्रजीत सिंह का साथ दिया, लेकिन फरीदाबाद से सांसद ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सुधा यादव ने कहा कि इन सब बातों को मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़कर आश्चर्य हुआ। ये बैठक केवल परिचयात्मक बैठक थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वहीं राव इंद्रजीत ने भविष्य में पार्टी के आगे बढ़ने की चर्चा की। सुधा यादव ने सीएम को पहले कार्यकाल में अनुभवी न बताकर अफसरशाही को हावी बताया, लेकिन इस कार्यकाल में सरकार और संगठन का कोऑर्डिनेशन बेहतर दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भी अब अनुभवी हो गए हैं, इसलिए इस कार्यकाल में जो भी सरकार निर्णय ले रही है वो पॉलिटिकल निर्णय दिखाई देते हैं, अफसरों के नहीं। भाई मुझे तो अखबारों में पढ़कर के ही आश्चर्य हुआ है। वैसे वो सिर्फ परिचयात्मक बैठक थी और प्रभारी का और सभी लोगों का परिचय हुआ था। उस दिन देवउठनी एकादशी के कारण विवाह भी बहुत ज़्यादा थे, तो कोई भी वहाँ बहुत लंबा रुकने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन हल्की फुल्की बातें जो हुई उसमें जो अखबारों ने छापा है, मेरा मानना यह है कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। राव इंद्रजीत सिंह तो बहुत जल्दी बहुत कम समय में रुक करके चले गए थे, क्योंकि नड्डा जी का जमालपुर में कार्यक्रम था और लोकल सांसद होने के नाते वो उनसे पहले पहुँचना चाहते थे। वो तो भविष्य में कैसे हम आगे बढ़ें और सरकार 70 के लक्ष्य को फिर से कैसे पाए, इसके ऊपर इस समय, क्योंकि जिस तरीके के निर्णय सरकार ले रही है उसमें पॉलिटिकल निर्णय दिखाई देते हैं, वो अफसरों के नहीं। वहीं गुरुग्राम प्रशिक्षण शिविर में पहुंची सह प्रभारी अन्नपूर्णा ने पार्टी नेताओं के मनमुटाव पर कहा कि पहली बार हरियाणा आने का अवसर मिला और कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रही हूं। इससे पहले सुझाव लिए जा रहे हैं, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। दल आगे बढ़े और मजबूत हो, ये लक्ष्य हमारा है। लगातार 3 दिन से हरियाणा में हूं। इसके पहले कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, फिर हिसार में, आज गुरुग्राम में है। और प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं के बीच अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक तो अच्छे से इंटरेक्शन भी होता है, उसके अलावे पार्टी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, हम संगठन से जुड़े हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्या करना है और पार्टी का मूल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। साथ ही साथ पार्टी सरकार बनी है हमारी, लगातार 6.5 वर्षों से देश में सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उनके द्वारा जो अंत्योदय कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी जानकारी हम कार्यकर्ता को देते हैं, ताकि वो गाँव में जाकर, चूँकि हमारा लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य विकास करना है, लोगों के बीच जाकर गरीबों की सेवा करना हमारा मूल लक्ष्य है। वहीं सह प्रभारी अन्नपूर्णा ने भी कहा कि हरियाणा में 3 दिन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रही हैं, पहला कुरुक्षेत्र और दूसरा हिसार और आज गुरुग्राम में ट्रेनिंग कार्यक्रम में आई हूं। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों से मिलना होता है, पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए इस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार बनाना नहीं बल्कि पार्टी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और विकास करना है। हरियाणा के नए प्रभारी विनोद तावड़े अभी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि पहले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहा हूं, ऐसे में देखना होगा हरियाणा भाजपा के नेताओं की नब्ज टटोलने के बाद क्या विनोद तावड़े हरियाणा बीजेपी नेताओं के मनमुटाव को दूर कर पाएंगे या फिर इसी तरह से हरियाणा सांसदों और सरकार के बीच मतभेद देखने को मिलेगा। टोटल न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।